लोग FTA में पहुंच गए हैं। अरे बाप रे क्या चीज़ है यार। हेलो माय YouTube फैमिली, माय नेम इज जीत सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल जीत ब्लॉग्स। टाइम हो गया है 12:29 और डेट है 18 February। और आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, थंबनेल से आपने तो देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ हूँ है और कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ FTI में। FTI क्या चीज़ है मैं कुछ लोगों को बता दूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता। FTI वो चीज़ है जहाँ पे एक एक्टर का सपना होता है कि वहाँ जाके वो पढ़े, एक्टिंग की पढ़ाई करे, वहाँ रहे। क्योंकि पूरे वर्ल्ड से करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों लोगों में से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ 10 लोग। वो जो 3 साल का कोर्स होता है ना, उनका जो ट्रेनिंग होती है, वो जो फील होता है ना यार, वो एक अलग ही होता होगा। जो भी FTI से आता है ना, मतलब वो सोच लो वो हीरा है, हीरा बन के आता है। ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं बट उनको ज़्यादा प्रिफर, मतलब उनको ज़्यादा वो अहमियत देते हैं FTI वालों को कि अरे FTI से हो, कम। सो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ FTI में। FTI में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक एल्बम आनी है, म्यूज़िक एल्बम, जिस गाने का नाम है तलाश। वो मंडे को हमारा शूट होगा। और मेरा जो फ्लैटमेट है दीपांशु, वही रैपर है। मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, हाँ बताया था मैंने, शायद मैंने वो गाना नहीं डाला था, बस मैंने बताया था उसके बारे में कि वो रैपर है, मेरे फ्लैटमेट है। सो वो उसने गाना लिखा है तलाश। सो वो शूट करेंगे हम मंडे को। वो शायद यहाँ शूट नहीं होगा, वो पुणे में शूट होगा। इसलिए पुणे में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो वहाँ के डायरेक्टर है वो शूट करेंगे इनके एल्बम को। अब देखना ये है कि वो यहाँ आते हैं या हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो सारा सामान है। और FTI के अगर FTI वाले शूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल का शूट होगा, नेक्स्ट लेवल का। सो देखते हैं, अभी चलते हैं क्या माहौल होता है। कि मीटिंग है हमारी आज, तो हमें बुलाया उन्होंने कितने बजे, 6 बजे, क्योंकि उनकी क्लास होती है आई थिंक 12 से 6 या 10 से 6 ऐसे कुछ होती है। सो अभी हम निकलेंगे, कोई 1:30 बजे घर से निकल जाएंगे और 3:30, 3:30, 4:30 तक, 5 बजे तक पहुँच ही जाएंगे हम। कैमरे की बैटरी मैंने चार्ज कर ली है, 89% है, चार्ज ही है। लैपटॉप मैंने चार्ज कर लिया, लैपटॉप अपने साथ लेके जाऊँगा। GoPro मैंने चार्ज कर लिया है, और लैपटॉप इसलिए साथ लेके जाऊँगा क्योंकि अगर मेरे GoPro का SD कार्ड फुल हो गया तो मैं जब हम कहीं रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा, अपने जो उसका डाटा होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा लैपटॉप में। और हाँ, अगर हम रुके भी ना, यहाँ से 150 किलोमीटर है पुणे FTI, तो अगर हम 75-80 किलोमीटर के बाद ही रुकेंगे, या 75 किलोमीटर या 75 किलोमीटर तक रुकेंगे या 80 किलोमीटर होगा तब रुकेंगे, ऐसा कुछ इस रेंज में रुकेंगे। जो भी होगा, जहाँ वहाँ रुकूँगा वहाँ चाय वाय पी लूँगा, अपने जो डेटा वो ट्रांसफ़र कर दूँगा। और अगर मेरे GoPro की बैटरी तो लो होगी होगी, क्योंकि एक ही बैटरी है मेरे पास, कैमरे में भी एक ही बैटरी है, GoPro में भी एक ही बैटरी है। सो उसको तब तक मैं चार्ज कर लूँगा। सब चार्जर लेके जा रहा हूँ, अपना पावर बैंक भी लेके जा रहा हूँ। सो बैग तो रेडी है मेरा। और हाँ, मैंने आज अपनी स्कूटी में ना, कल रात को डालने वाला था वो, मेरे पास डाला नहीं। कल रात को मैंने अपनी स्कूटी में कुछ लिखाया है, मुझे वो देख के ना इतना अच्छा फील हुआ ना यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, पता है। मैं दिखाता हूँ आपका, नीचे जाएंगे ना तब दिखाऊंगा। और हाँ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि जो हेलमेट है फुल हेलमेट वो पहन के जाना इतना दूर तक। गया हूँ लोनावला तक गया हूँ, बट पुणे नहीं गया मैं स्कूटी में। फर्स्ट टाइम जाऊँगा मेरे फ्रेंड के साथ, पिलियन के साथ। सो देखते हैं वो क्या फील होता है यार, क्योंकि हेलमेट डालना पूरा कैसा वाला लगेगा, देखते हैं। अगर ताकि मुझे भी एक हैबिट बन जाएगी ना मेरी भी, क्योंकि रात को कोई हमें आते आते कोई 12-1 तो बज ही जाएंगे। सो अभी ख़त्म करते हैं शूट वहाँ का, ठीक है, वहाँ चलते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं अंदर भी शूट, कितने मिनट हो गए भैया रिकॉर्डिंग के, पता नहीं 3 मिनट हो गया। अगर हो सकेगा तो मैं अंदर भी शूट कर लूँ FTI में, अगर हो सकेगा, उन्होंने अलाउ किया, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। और मैं चाहूँगा कि ये मेरा वीडियो कम से कम छोटा बने, क्योंकि दोस्तों ने बोला कि तेरा वीडियो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, तो मैं चाहूँगा कि छोटा बने यार आज। जो भी होगा देखते हैं, इन्जॉय करना इस ब्लॉग को और इस सफ़र को भी। चलिए चलते साथ में। सो हम अपने घर से निकल चुके हैं पुणे के लिए, FTI के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कल लगाई, मैंने आपको बोला कि जैसे मैं दिखाया नहीं आपको, दिखाता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, मैंने अपने सामने लिखा है जीत ब्लॉग्स, यहाँ भी लगाया जीत ब्लॉग्स, क्योंकि मुझे जो फील हुआ ना इसको लिखा के, इतना अच्छा लग रहा ना मुझे लिखा के इसको, मज़ा आ रहा है यार जीत ब्लॉग्स। कल कोई भी पूछेगा ना कि आप सर आपका चैनल का नाम क्या है, मैं कहूँगा ये है जीत ब्लॉग्स। आवाज़ चेक कर ली, माइक चेक है, माइक अभी तक सही चल रहा है। अगर गाइस लोग
बीच बीच में अगर आवाज़ ना आए तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ये माइक मतलब ये अडेप्टर कभी भी साथ छोड़ देता है। जोगा देखी जाएगी। सो फिलहाल अरे 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 सो फिलहाल अभी तक तो माइक चल रहा है। बीच बीच में ऑन करूँगा इसको, बीच बीच में अपने गोप्रो को ऑन नहीं करूँगा क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी फिर लो हो जाएगी। और SD कार्ड भी मेरे पास सिर्फ एक ही है, दो होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। Then I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. So, अभी हम घर से 67 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिए। हमें अभी मुझे अभी ब्रेक नहीं मारनी थी, मुझे सोच रहा कि चलो 80 किलोमीटर तक होगा तब ब्रेक मांग लूँगा। दिक्कत क्या आ गई है, स्कूटी ने अचानक साथ छोड़ दी, पता नहीं क्यों झटका दिया एकदम से। इसने चला रहा हूँ एकदम झटका दिया, मतलब अलग रुकने वाली है, मुझे लगा इससे अच्छा रुकने वाली है तो रुक जाओ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। पता थी स्कूटी में हीट हो रही थी तब, इसलिए मैं क्यों भाग 80-90 की स्पीड भगा के आ रहा हूँ मैं, तो शायद हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। इसलिए हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया है। बस GoPro भी चेक किया मैंने, आवाज़ बीच बीच में आ रही है, बीच बीच में आवाज़ नहीं आ रही तो दिक्कत आएगी। और दूसरा कि अभी यहाँ से बचा है हमारा पूना FTI 98 किलोमीटर। अब मैं सोच रहा हूँ मैं 60 किलोमीटर तक, मतलब 60 की स्पीड में चलाऊँ, ज़रा फास्ट ना चलाऊँ क्योंकि यार स्कूटी ने अगर बीच में साथ छोड़ दिया ना गर्मी ऊपर से दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से निकलेंगे। अभी हम विपाशु गया वॉशरूम, ठीक है, और हमने एक लिमका पी लिया है, अभी लिमका मंगाए थे वो पी लिया, ख़त्म कर लिया। तो बस अब निकलते हैं अभी हम 2 मिनट में, अब स्कूटी लाऊंगा आराम से ताकि आराम से पहुंच जाए हम, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सो दिक्कत क्या आ रही है कि जब बैठते हैं ना बम में दर्द करता है बस, और कुछ नहीं है। तो निकले चले चलते हैं। फाइनली हम लोग FTI में पहुँच गए हैं। अरे बाप रे क्या चीज़ है यार, गजब खतरनाक चीज़ है यार, पूरा सेट बने हुए इन लोगों के यार, एक क्लास। हाँ सब थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं, वो एंट्रेंस के बाहर खड़े हैं, जिससे मिलने जाना है। चलो भाई, लेकिन यार मज़ा आ गया यार, कुछ भी हो गजब, पूरा FTI यार पूरा पीछे तक गजब यार, फील होता है फील यार, एक गजब है यार, इसमें गजब।
इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। ये कहता ना एक्टर को जो जो फील चाहिए, फील वो पूरी फील आती है यार, पूरी की पूरी फील आती है वो। गजब यार, जो जो यहाँ पे लोग हैं ना यहाँ पे, उनकी मतलब लाइफ बनी हुई है यार। उनको क्या कुछ सीखने को मिलता होगा यहाँ पे, क्या कुछ देखने को मिलता होगा। यहाँ तक मैंने ये भी सुना है जब वो कोई प्ले करते हैं उनके लिए पूरा सेट लगा देते हैं यार, पूरा फील करते हैं वो लोग। गजब यार। एक यार बाहर जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे लिखा है फिल्म टेलीविज़न, वो मुझे FTI का करना है, फ़ोटो खींचनी वहाँ की यार। चलो मैं आपको थंबनेल, वो मुझे थंबनेल बनाना अपना, मैं बाहर जाता हूँ वो फ़ोटो खींचता हूँ। चलिए हुआ क्या, सेकंड डे का ये मेरा, फर्स्ट डे मैंने किया स्लो मोशन में हो गया था यार। सो मीटिंग हमारी फाइनली ख़त्म हो चुकी है, 2 घंटे हमारी मीटिंग चली। सो मैं इतना कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि अभी रात हो गई थी, और जिन लड़कों से मिला वो भी कहते चलो कोई नहीं, नेक्स्ट जब नेक्स्ट टाइम आओ तब हम अच्छे से घूमेंगे। और हमारा शायद हमारा नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में हमारा शूट होगा यहाँ पे। सो देखते हैं, बहुत थाड़ू उन्होंने जो बताया ना, जो उनकी इमेजिनेशन थी, क्लास शूट करेंगे वो लोग क्लास। उन्होंने 2-3 बताए कि हम ये करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कैसा करेंगे शूट। सो दिक्कत नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो अभी 8 बज चुके हैं आई थिंक, हाँ घर पहुँचते पहुँचते हमें 9, 10, 11, 12 1 तो बज ही जाएंगे। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और आज इतना कुछ नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊँगा। अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और बस सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग लाइक कर ही नहीं रहे मेरी वीडियोस को यार, क्या यार। सो ख़त्म करो आज के वीडियो यहीं पे, और जल्दी मिलूंगा अपने अपने नए ब्लॉग के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून, बाय बाय। अब जब खड़ो कोई नहीं, लाइट कर लो तो। हाँ Hmm.